डिपार्चर करूँगा दुबई के लिए। तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, फ्लाइट मेरी आ चुकी है, टिकट वगैरह सब रेडी है और अभी मैं जा रहा हूँ चिकन के लिए। तो चलो चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ बलरामपुर स्टेशन पे और जा रहा हूँ लखनऊ। लखनऊ किस लिए जा रहा हूँ तो मैं वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ लखनऊ, तो अभी स्टेशन पे हूँ। अभी ट्रेन आई नहीं है, थोड़ा डिले है 26 मिनट, तो 7:26 पर आएगी। वैसे तो ट्रेन थी 6:59 पे, लेकिन ट्रेन थोड़ा डिले हो गई है तो आने में लेट होगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऐशबाग स्टेशन पे, मतलब लखनऊ में। और अभी मैं जा रहा हूं मेट्रो की तरफ, मेट्रो से मैं जाऊंगा एयरपोर्ट पे इंटरव्यू के लिए। तो अभी मैं यहां से निकल रहा हूं ऐशबाग स्टेशन से, यहां से मेट्रो करूंगा, मेट्रो से फिर देखता हूं। यहां से तो पहले जाऊंगा टैक्सी लेकर मेट्रो के लिए। चलो चलते हैं। यहां पर कुछ ऐसा नज़ारा है आपको देखने को मिल रहा है। मैं आया था उस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से नहीं, इधर से आ गया था ये वाला। अब इधर से मैं जा रहा हूँ इस साइड, वहाँ पे ऐशबाग स्टेशन दिखा, वहाँ पे लिखा हुआ, उधर जा रहा हूँ मैं। वहाँ से टैक्सी करूँगा, मैं वहाँ से टैक्सी करूँगा मेट्रो के लिए। तो वहाँ से मेट्रो से फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स मूव गाइस। मुझे उस तरफ जाना था, इस तरफ मैं आ गया क्योंकि मेट्रो मुझे उधर से ही मिलेगा ना, दुर्गापुरी की मेट्रो स्टेशन उधर ही है, तो उधर से ही मुझे मिलेगा, तो मैं इस तरफ आ गया। तो चलो उस तरफ चलते हैं, वहाँ से टैक्सी करते हैं, फिर मेट्रो के लिए निकलते हैं। तो है गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे और अभी जा रहा हूँ, टिकट लूँगा फिर, टोकन लूँगा फिर यहाँ से जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। चलो चलते हैं। कुछ ऐसा है तो यहाँ से हमें टिकट मिलेगा। चलो यहाँ से टिकट ले लेते हैं पहले, लंबी लाइन लगी हुई है टिकट काउंटर पे। हे गाइस, फाइनली मुझे टोकन मिल गया है और अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो के अंदर, मेट्रो से फिर वहाँ पे जाऊँगा एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट पे। चलो चलते हैं। यहाँ पे पीछे आप मेरे देख पा रहे हो, उस वाले प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेट्रो आके रुकी है और अभी मैं यहाँ से मेट्रो को रुकूँगा फिर। तो है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे और अभी जा रहा हूँ, अमन को कॉल करूँगा क्योंकि अमन यहीं पे है ना, तो उसको कॉल करूँगा, फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या होता है। यह है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ ऐसा दिखता है। तो है गाइस, फाइनली इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन क्या नाम है, फॉर्म जमा करवा लिया उन लोगों ने और फॉर्म तो जमा कर दिया है और कॉल आएगा 15 दिन के बाद। तो देखते हैं कॉल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 2000 लोग थे जो फॉर्म भरा है, देखते हैं। और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, CCS एयरपोर्ट पे, और अभी जा रहा हूँ कई जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है भूख हो रहे, बज रहे हैं 1, तो अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और ये मेरे पीछे ये मेरा दोस्त है अमन। तो गाइस, कभी आपने आयरन बर्ड देखा, आयरन बर्ड, आयरन मैन का नाम तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आयरन बर्ड देखा है कहीं? नहीं देखा होगा ना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, देख रहे हो आप,
एक दो तीन चार पाँच छः, छः बर्ड्स हैं। ये खा क्या रहा है, कुछ है ही नहीं नीचे। तो है गाइस, फाइनली मैं जा रहा हूँ दुबई। फ्लाइट मेरी अभी मतलब यहाँ से डिपार्चर करूँगा दुबई के लिए। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, फ्लाइट मेरी आ चुकी है, टिकट वगैरह सब रेडी है, और अभी मैं जा रहा हूँ चिकन के लिए। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, बहुत दुख की बात है कि मेरी फ़्लाइट रद्द हो गई है। तो सोचा था कि जाऊंगा यार दुबई, घूमूंगा, बुर्ज खलीफा देखूंगा, तो फ़्लाइट रद्द हो गई, तो जाना कैंसिल। तो है गाइस, मंजिल में पहुंच चुका हूँ, घाघरा घाट के पास, और यहाँ पे रुका हूँ थोड़ा सा, कुछ मतलब नाश्ता कराने के लिए रुका है बस। तो अभी हम लोग मतलब कुछ खा लिया, चाय पी लिया और भजिया खा लिया, तो अभी 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेगी बलरामपुर के लिए। तो अभी मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे, और अभी 10-15 मिनट में यहाँ से बस निकलेगी बलरामपुर के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे बलरामपुर में, नहीं उतरौला में, क्योंकि ये नहीं, ये उतरौला जा रही है बस, बलरामपुर नहीं जाएगी, उतरौला जाएगी। तो मैं आपको उतरौला में मिलता हूँ। हे गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उतरौला, और अभी यहाँ से जाऊँगा नानी के यहाँ, रात भर रहूँगा, फिर सुबह मैं जाऊँगा घर। तो 6 बजे बैठा था वहाँ पे, और पहुँचा यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं। इतना टाइम लगा दिया यार पहुँचाने में। और भाई तो अभी यहाँ से मामू आ रहे, मामू को कॉल कर दिया, वो आ रहे बाइक लेकर, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे घर के, फिर कल जाऊँगा मैं घर, कल मॉर्निंग में निकलूँगा यहाँ से घर के लिए। तो फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। सब्जी दिल्ली का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट का ही मार्केट। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी मैं हूँ सीतापुर में, भाई के यहाँ रह रहा हूँ, और अभी यार आज का जो प्लान था घूमने का, वो आसपास फोर्ट जाने का था, लेकिन बाई चांस आज बंद है फोर्ट यार, तो जा नहीं पाए। तो अभी जो प्लान है वो ऐसे ही घूमने का नॉर्मली। तो अभी इससे पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं घूमने के लिए। एरिया है कुछ ऐसा है लाइक एरिया, तो ये राइडर बनना है एकदम। के लिए आ चुके हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है भाई? ये कुछ ऐसा है माहौल है यहाँ का, यहाँ पे अभी बैठ के मैं खा लेता हूँ। ये गली है यार, सीतापुर की है, सीतापुर एरिया है ये। तो अभी यहाँ से खा के फिर निकलते हैं हम लोग घूमने के लिए। आ चुका है हम लोग का चिकन एंड यहाँ पे आ गया रोटी, तो चलो खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं घूमने के लिए। गाइस, फाइनली खाना वाना हो गया है, और अभी मैं हूँ जाबरी मोड़ पे यार, हाईवे है साला, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और देख पा रहे हो इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं यार, ये रोड मुझे क्रॉस करके उस तरफ जाना है मुझे, तो जाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा यार। इधर से बसें आ रही हैं, जीपें आ रही हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, और यहाँ पर कार की पेंटिंग होती है। तो चलो उस तरफ चलते हैं, फिर मिलता हूँ। लिटरी में बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे से यार यहाँ पे खड़ा था, लेकिन साला जाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि उस तरफ मैं चला जाऊँ, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आगे मुझे जाके फिर वहाँ से मुझे लेना होगा, कट है एक आगे सिग्नल है, वहाँ से मैं जाऊँगा इस दूसरी साइड में। तो चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ ऐसा माहौल है यार, देख रहे हो गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आने का शाम हो चुका है यार, 4 बज रहे हैं इस टाइम। तो अभी मैं आ चुका हूँ क्रॉसिंग पे, मुझे उस साइड जाना है, उस क्रॉसिंग के उस साइड में, वहाँ नहीं तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे नहीं, यहाँ से क्रॉस कर लूँगा मैं, उस तरफ चला जाऊँगा। तो गाड़ियाँ आने का नाम मन नहीं कर रही यार, गाड़ियाँ आ ही जा रही हैं। चलो चलते हैं, उस तरफ मैं मिलता हूँ आपसे। काफ़ी
जद्दोजहद करने के बाद यार फाइनली मैं पार हो गया, आ गया यहाँ पे मार्केट में। और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको मार्केट कैसा शो कर रहा है यहाँ पे। एक पार हो गया आप रूट का, जो मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी शानदार भाई, बहुत लंबा मार्केट है यहाँ पे। मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत लंबा मार्केट है यहाँ से रूट का। अभी अंदर की साइड में ये चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे हम लोग घूमने के लिए आउटसाइड पार्क है, पार्क में चलेंगे। तो वहाँ से आई थिंक कहीं ना कहीं तो चलेंगे ही आज घूमने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, कल आसपास जाना है। कल का प्लान, आज का प्लान था लेकिन आज का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो कल जाएंगे। फ्रूट है यार, देख रहे हो फ्रूट का मार्केट है। आई थिंक ये दिल्ली का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट है, दाबड़ी मोड़ पर जो लगता है, मुझे मालूम नहीं नाम क्या है यार, लेकिन दाबड़ी मोड़ पर ही लगता है यहाँ पर। और यहाँ से एक और अंदर जाता है इस साइड में, जो कि चलो देखते हैं। देख रहो यहाँ पे सब्जियाँ, इस साइड में सिर्फ सब्जियों की मार्केट है। देख रहो कितना सारी सब्जियाँ ओनली सब्जी यहाँ पे। आई थिंक लगता है सब्जी का ही मार्केट है यहाँ पे। और उस साइड में मे बी उस साइड में सिर्फ फ्रूट का है, और इस साइड में ओनली वन सब्जी का ही मार्केट लग रखा है। सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं भाई, देख लो सब्जियाँ कितने क्वांटिटी में रख रखे हैं यहाँ पे। इतने सारे इतने बड़े बड़े नींबू मैंने आज तक नहीं देखे भाई, वो छोटे वाले देखे थे। ये कलकत्ते का नींबू होता है, ये कलकत्ते का नींबू है। ये क्या चीज है, ये भी कलकत्ते का, किशोर आलू बोलते हैं। ये आलू है, आलू है, कच्चा खाया जाता है, सब्जी नहीं बनता है। ये पानी ये वाली घिया देखो कलकत्ते की, कौन सी घुया, ये वाली घिया, ये घिया घिया, ये घिया, ये घिया है। मुझे लगा लौकी है, लौकी है लेकिन कलकत्ते की देसी वाली होती है। ये तो केले का है ना, केले का, कटहल कलकत्ते का, कटहल वो वाली। ये ये क्या है, ये बैंगन देसी वाला, ये बैंग। यहाँ पे भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ ये सारे सब्जियाँ, देखा भाई पहली बार मैंने इन सब्जियों का नाम सुना है यहाँ पे। ये तो वो है, इसका नाम यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पता है इसका। ये तो शिमला मिर्च है, और सब्जियों का ये मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो भाई कितने सारे मार्केट में लगे हुए हैं सिर्फ सब्जियाँ, सब्जी ही सब्जी है यहाँ, चारों तरफ सब्जी है भाई। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा पार्क जाना है, पार्क में घूमने के लिए। उस साइड थोड़ा पड़ता है, मुझे नॉलेज नहीं है, अभी मैप में देखूंगा फिर पता चलेगा कि इधर किधर नहीं है भाई। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर घूमने निकलते हैं, ठीक है। देखने को मिल जाएगा आपको सिर्फ मीट का मार्केट भाई, देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ आपको मीट का ही मार्केट मिल जाएगा आराम से। यहाँ पे मुर्गी अगर आपको लेना है तो मुर्गी ले सकते हो, चिकन जो भी आपको लेना है ले सकते हो। वैसे यहाँ से आ रही है स्मेल बहुत बुरा, तो चलो यहाँ से निकलते हैं पहले भाई। पिछले आधे घंटे से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ यार, जो पार्क है पार्क गूगल मैप मुझे गलत एड्रेस बता रहा है यार। मैं आधे घंटे से बीच में ऐसे ही घूम रहा हूँ, इधर से ही राउंड टू राउंड मार रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। अभी जो माहौल है कुछ ऐसा है यहाँ का, जैसे यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ माहौल ऐसा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं यार। यहाँ से अभी मुझे जाना है, शाम भी हो गई है, रात हो रही है, तो अरे चलो पहुँच पा रहे हैं, पहुँचने तो फिर निकल जाएंगे रूम के लिए। बस कल जाना है वो हाथ पास फोर्ट जाना है, तो यहाँ से दाबड़ी मोड़ से मेट्रो पकड़ूँगा मैं, और वहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगा मैं हाथ पास फोर्ट, वहाँ पर घूमूँगा। वहाँ के बाद फिर अगले दिन तो शिफ्ट है, तो शिफ्ट करूँगा, करने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। प्लान बना रहा हूँ मैं घूमने के लिए, लेकिन यार टाइम नहीं मिल पा रहा है। प्लान तो बन रहा है घूमने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, चलो भी चलते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा माहौल है, ये फ्रूट की पूरी मार्केट यहाँ पे लगी रखी है, चलो चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे पीछे फ्रूट की जो मार्केट लगी है, ये फ्रूट की और चकली की, और काफ़ी अबे यार वो सब्जी दिखा रहे थे मुझे पता ही नहीं था कौन सी सब्जी है फ्रूट की। देख रहे हो कितने सारे फ्रूट की मार्केट लग पड़ी है यहाँ पे। और क्या जो पड़ता है मार्केट, ये पड़ता है दाबड़ी मोड़ पे, दाबड़ी मोड़, हाँ दाबड़ी मोड़ ही पड़ता है, आप बस पकड़ के भी आ सकते हो।